25 मई शनिवार की शाम दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड में स्थित गार्नेट इन होटल पर अंतर्राष्ट्रीय शायर कवि साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल का 70वां जन्मदिन मनाया जाएगा। इस उपलक्ष में उनकी 5 किताबों का विमोचन करने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के साहित्य प्रेमी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसे लेकर एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में इस तरह की जानकारी दी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मेरा 70वां जन्मदिन है और मुझे लिखते और छपते 51 साल हो गए हैं। आज मेरी 5 पुस्तकों का भी विमोचन होने जा रहा है। एक पूना की अजबात पत्रिका ने मुझ पर अंक निकाला है, उसका भी विमोचन है। और जो अफसांचे की बात चल रही है, हम लोग उप महाद्वीप में अफसाना नुमा के नाम से एक पत्रिका निकालते हैं, उसका भी विमोचन होना है। और इस अफसांचा के प्रोग्राम में, सेमिनार में और विमोचन के जश्न में और जश्न रौनक जमाल में शामिल होने के लिए दिल्ली से सिराज अजीम साहब और आपके खुदा भला करे औरंगाबाद से अफसाना नुमा के एडिटर डॉक्टर शहाब अफसर साहब, उसके मुदीर आला हैदराबाद से महमूद शाही साहब से और आपके नागपुर से रियाज कामिल साहब, डॉक्टर रब्बानी मुश्ताक बेबाक, ये हजरात सब बाहर से आए हैं हमारी दावत के लब्बैक का है। और ये महफिल सजाने का सेहरा जो है कैलाश बरमेशा जी को जाता है। वो एक ऐसी शख्सियत दुर्ग शहर में उभर के आई है जो साहित्य और कला को उभारने में बहुत मेहनत कर रही है। और सारा ये जो प्रोग्राम अभी भी है और शाम में भी आप लोग आओगे देखेंगे, ये पूरा इसका जो भी श्रेय है वो जाता है कैलाश बरमेशा जी को और दिल्ली की ऑल इंडिया दब इतफाल सोसाइटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सिराज अजीम साहब को, नवेद रजा साहब को, ताहिर निज़ामी साहब को कि उन्होंने ये महफिल का इनेकाद किया है, बहुत अच्छे से इसको सजाने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि आप शाम में आएँ और देखें। यानी ये छत्तीसगढ़ का एक रिकॉर्ड है कि पहली बार किसी साहित्यकार की 5 किताबों का विमोचन एक साथ होने जा रहा है। किसी ने उसके ऊपर छत्तीसगढ़ में अंक निकाल के इज्जत बख्शी है। और अफसाना नुमा के चौथे शुमारे का हिजरा भी दुर्ग की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की धरती पे हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए मैं आए हुए सभी मेहमानों का और सभी आज जो शाम में वहाँ पहुँचने वाले लोग हैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के धान के कटोरे में मुझे ये सब करने का मौका मिला और ये इज्जत और ये सम्मान मुझे छत्तीसगढ़ धान के कटोरे ने दिया।